देश भर में अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को तब बड़ा आघात पहुंचता है जब उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन खुलेआम किया जाए। पिछले कई बार की तरह इस बार भी ग्वालियर में हिंदू महासभा द्वारा दौलतगंज स्थित जिला कार्यालय में नाथूराम गोडसे का जमकर महिमा मंडन किया गया और नाथूराम गोडसे अमर रहे जैसे नारे भी लगाए गए। हिंदू महासभा द्वारा अंबाला जेल से लाई गई माटी से नाथूराम गोडसे के फोटो पर तिलक करने के बाद सभी कार्यकर्ताओं को भी उसी माटी का टीका किया गया। अंबाला जेल में ही महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को सजा बतौर फांसी दी गई थी। आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में गोडसे बयान अध्ययन माला का शुभारंभ भी किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना एवं नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के जिद के कारण मोहनचंद करमचंद गांधी जी ने देश का विभाजन किया और जिसका प्रतिकार करने के लिए हुतात्मा नाथूराम गोडसे और हुतात्मा नारायण आप्टे जी को अम्बाला की जेल में 15 नवंबर को जो है फांसी की सजा दी गई, फांसी दी गई। उस माटी को अम्बाला की जेल का निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर जयवीर भारद्वाज मैंने निरीक्षण किया और वहाँ से अम्बाला से जो है उस वीर भूमि की, बलिदानी भूमि की जो है मिट्टी में लेकर आज यहाँ उपस्थित हुआ। और हमारा इसमें पीछे सीधा सीधा कहना है कि हम जो गौर से बयान अध्ययन माला का जो आज हमने शुभारम्भ किया है उसके पीछे एक ही कारण है।